हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं गॉसिप क्वीन। आज बात करेंगे अनुपमा के कलाकार नितेश पांडे की, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। नितेश पांडे जितने अच्छे कलाकार थे, उतने ही अच्छे इंसान थे। आज उनको पूरी टीवी इंडस्ट्री याद कर रही है। उनके चाहने वालों को यकीन नहीं हो रहा कि नितेश पांडे आज हमारे बीच में नहीं है। नितेश पांडे का 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। नितेश पांडे का परिवार पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है। उनकी पत्नी अर्पिता उनके याद में आंसू बहाए जा रही है। उनके फ्यूनरल पर पहुंची अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी खुद के आंसू नहीं रोक पाई हैं। बीते दिनों परिवार की और उनके दोस्तों की कई वीडियो वायरल हुई हैं, जो कि दर्शकों को रुलाए जा रही हैं। आज हम बात करेंगे नितेश पांडे और उनकी लव लाइफ की। नितेश पांडे और अर्पिता टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट लवेबल कपल में से एक थे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अर्पिता से वो बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं नितेश पांडे अर्पिता से दूसरी बार शादी कर रहे थे? मतलब नितेश पांडे पहले नितेश अर्पिता से पहले नितेश पांडे की पहले भी एक बार शादी हो चुकी है। ये बात है 1998 की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नितेश पांडे ने साल 1998 में अश्विनी कालसेकर के साथ शादी रचाई थी। ये इनका रिश्ता कुछ सालों ही का था, मतलब 1998 से लेकर 2002 तक इनका ये रिश्ता चला था। दोनों के बीच काफ़ी खटास आ गई थी रिश्ते में, जिस वजह से इनको डाइवोर्स लेना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार ना उम्र देखता है, ना सीमा देखता है, ना ही ये कि आप किसके साथ पहले थे या किसके साथ नहीं। नितेश पांडे की ज़िंदगी में फिर एक बार प्यार की रोशनी जागी और उनकी ज़िंदगी में अर्पिता आई। आज 2023 है, आप लगा सकते हैं कि नितेश पांडे और अर्पिता का रिश्ता कितना लंबा था। लेकिन 51 मात्र 51 साल की उम्र में नितेश पांडे ने जब दुनिया को अलविदा कहा, तो चाहने वाले भी बेसुध हो गए। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। आज नितेश पांडे लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैं उनकी डिटेल्स बता दूं। जब नितेश की अर्पिता से मुलाकात हुई थी, तो वो जुस्तजू टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। इसी मतलब सीरियल की शूटिंग के दौरान इन दोनों को बेशुमार प्यार हो गया था। कुछ समय तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2003 में, यानी कि नितेश पांडे की पहली शादी के तलाक के बाद, मतलब एक साल के अंदर ही उन्हें अर्पिता मिल गई थी और उन्होंने साल 2003 में उनसे उनके साथ शादी रचा ली थी। नितेश पांडे और उनकी बीवी का एक प्यारा सा बच्चा भी है, जिसका नाम आरव है। पिता, आपने कल एक वीडियो देखा होगा कि पिता की याद में आरव रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। ये नज़ारा किसी से देखा नहीं जा रहा था, लेकिन इस दौरान उनका हाल कैसा है वो परिवार वाले ही जान सकते हैं। ऐसे ही नितेश पांडे से जुड़ी और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमें गॉसिप क्वीन को फॉलो कीजिए और यूं ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बरसाते रहिए, ताकि हम आपके लिए डेली अलग अलग लेटेस्ट न्यूज़, एंटरटेनमेंट की खबरें, क्रिकेट की खबरें लाते रहें। थैंक यू सो मच।